रिएक्ट जेएस में क्रड ऑपरेशन को समझने के लिए मैंने एक टू डू ऐप बनाया है और इसके थ्रू हम लोग क्रड ऑपरेशन को समझने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर मुझे कुछ नया आइटम ऐड करना है तो यहाँ से मैं ऐड कर सकता हूँ, जैसे न्यू आइटम 001 ऐसा मैंने कुछ लिख के अगर ऐड किया तो यहाँ पे ये ऐड हो गया। वहीं पर अगर मुझे इसको डिलीट करना है तो ये इजिली डिलीट हो सकता है, मैं जितने आइटम्स को चाहूँ डिलीट कर सकता हूँ। और कुछ एडिट करना है, जैसे मुझे इसको एडिट करना है तो क्रिएट न्यू ट्यूटोरियल एडिट एडिटेड ऐसा मैंने सेव किया तो ये एडिटेड वाला सेव हो गया। और ये पूरा का पूरा जो आइटम है वो डेटाबेस में स्टोर हो रहा है और इसका बैकएंड जो है वो एक्सप्रेस जेएस में है। आपको बैकएंड का कोई भी प्रेशर नहीं लेना है, बैकएंड पहले से डेवलप्ड है और उसका सोर्स कोड मैं आपको गिटहब पे दे दूंगा। और मैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ कि इसको कैसे आप सेटअप कर सकते हैं, आई मीन बैकएंड को कैसे आप सेटअप कर सकते हैं और उसके बाद आप अपने रिएक्ट डेवलपमेंट को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। इसको पूरा हम लोग समझेंगे कि ये कैसे काम करता है और कैसे आप इजीली बहुत ही आसानी से रिएक्ट जेएस में क्रड ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अपने रिएक्ट वाला जो क्रड ऐप है उसका बैकएंड सेटअप करने वाले हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले मेरे गिटहब वाले लिंक पे चले आना है जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और वहाँ पे आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। जब आप इसको डाउनलोड कर लेते हैं तो आपको इसको किसी भी डायरेक्टरी में ओपन कर देना है, जैसे कि हमारे पास ये, मैं इसको डेस्कटॉप पे ओपन कर रहा हूँ और एक्सट्रैक्ट हेयर कर ले रहा हूँ। अब हमारे पास दो फोल्डर हैं, एक रिएक्ट का है और एक एक्सप्रेस जेएस का। तो अभी हम लोग सबसे पहले अपने एक्सप्रेस जेएस को सेटअप करने वाले हैं और रिएक्ट को हम लोग लाइन बाय लाइन डेवलप करके देखने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं एक्सप्रेस जेएस को ओपन कर लेता हूँ। उससे पहले मेरा वीएस कोड में जो भी फाइल्स ओपन है उसको मैं क्लोज कर दूंगा और इसको वीएस कोड में ओपन कर लूँगा। अब जब ये ओपन हो जाता है तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास सर्वर डॉट जेएस वाला फाइल है और यहाँ पे पैकेज डॉट जेसन दिया हुआ है। और पैकेज डॉट जेसन में अगर हम लोग डिपेंडेंसी की बात करें तो यहाँ पे 3 डिपेंडेंसीज दिए गए हैं, कोर्स है, एक्सप्रेस है और एसक्यूएलआइट है। तो सबसे पहले मैं एक नया टर्मिनल ओपन कर लूँगा और यहाँ पे मैं अपने पैकेजेस को इंस्टॉल करने के लिए कमांड रन करूँगा npm install। लिखने के बाद हमारा जो पैकेजेस का लिस्ट है सब इंस्टॉल हो रहा है और वहाँ पे आपको एक नोड मॉड्यूल्स का एक फोल्डर दिखेगा जहाँ पे आपके जो भी मॉड्यूल्स हैं सब आपको दिख जाते हैं। और इसको स्टार्ट करने के लिए आपको लिखना है नोड सर्वर डॉट जेस। यहाँ पे आपके पास नोड जेस पहले से अवेलेबल होना चाहिए तभी ये कमांड काम करेगा। और सर्वर डॉट जेस फाइल मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो फाइल है जो मुझे रन करना है उसका नाम सर्वर डॉट जेस है। तो यहाँ पे जब मैं इंटर करता हूँ तो हमारा जो सर्वर डॉट जेस वाला फाइल है वो एग्जीक्यूट होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने पोर्ट रखा है 5000। अगर 5000 पोर्ट पे आपका पहले से कुछ चल रहा है तो आप उसको चेंज करके 6000, 7000, 4000 जो भी आपका मन है, 3001 जो भी आप चाहें वो रख सकते हैं। और यहाँ पे मैंने कोर्स इसलिए यूज़ किया क्योंकि जब भी आप इस सर्वर को किसी और पोर्ट या यूआरएल से ऐड करते हैं, मतलब एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो वो कोर्स इसको थ्रो करता है। तो अगर आप डिफरेंट यूआरएल्स को यहाँ पे ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको ऐसा ब्रैकेट लेना होगा और ऐसा कॉमा दे देके आप डिफरेंट यूआरएल्स को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और डेटाबेस के लिए मैंने यहाँ पे एसक्यूएलआइट का यूज़ किया क्योंकि यहाँ पे सिंपली मैं माई डेटाबेस डॉट डीबी फाइल क्रिएट कर सकूँ और जो भी हमारा फाइल है वो लोकली ही माई सिक्वल सिक्वलाइट डेटाबेस में आ सके। अब यहाँ पे कुछ कुछ कोड दिया गया है जिसके बारे में आपको प्रेशर लेने का कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ रिएक्ट को समझने वाले हैं। रिएक्ट में हम लोग इस API एंड पॉइंट्स को कैसे एक्सेस करने वाले हैं उसको भी हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पे ये दिखा रहा है टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट, ऐसा इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ये जो माई डेटाबेस DB है इसके अंदर पहले से टेबल एग्जिस्ट है जो मैंने ट्राई किया था। अब यहाँ पे मैं कंट्रोल क्लिक करके लोकल होस्ट 5000 पे चला जाऊँगा और यहाँ पे ये एरर आ रहा है, कैन नॉट गेट ब्लैंक, लेकिन हमारा सर्वर चल रहा है, ये इससे हमें कुछ भी लेना देना नहीं है। और इसको अगर आप API को डायरेक्टली टेस्ट करना चाहते हैं बिना फ्रंट एंड के तो आपको पोस्टमैन का यूज़ करना होगा। जो लोग डायरेक्टली फ्रंट एंड पे मूव करना चाहते हैं वो इस वीडियो के पार्ट को स्किप कर सकते हैं और डायरेक्टली रिएक्ट वाले पार्ट पे मूव कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने पहले से कुछ API क्रिएट करके रखा है जो इसी का एंड पॉइंट है। अब यहाँ पे जब मैं गेट पे आके आइटम्स लिखता हूँ और सेंड करूँगा
कुछ नहीं आ रहा क्योंकि ये पोर्ट 3000 पे हिट हो रहा है, तो मैं इसको पोर्ट 5000 करके अगर मैं फिर से सेंड करूँगा तो हमारे पास जो लिस्ट है वो आ गया, क्रिएट न्यू ट्यूटोरियल कंप्लीट असाइनमेंट ये सब लिस्ट हमारे पास आ गया। और इस तरह से हमारा जो गेट एपीआई है, इसका जो गेट एपीआई है वो काम कर रहा है। ये रहा पोस्ट एपीआई, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। ये रहा गेट एपीआई, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम आइटम्स जो कि माई सिक्वल का कमांड है। और यहाँ पे फिर अगर हमें एक आइटम को एक्सेस करना है तो ये वाला कोड है। कोड काफ़ी सिंपल है, आपको देखने से समझ में आ जाएगा। बैकएंड का कोड बहुत ज़्यादा सिंपल है, तो आई होप आपको ये समझ में आ जाए। लेकिन हमारा जो मेन पॉइंट है वो है कि हमें इन एपीआई का एंड पॉइंट हमारे पास वर्किंग कंडीशन में चाहिए और हम उसको यूज़ कर सकें। अब यहाँ पे अगर मैं नेम आइटम टू अपडेटेड ऐसा कुछ डाल के पोस्ट करता हूँ, यहाँ पे ये पोस्ट वाला है, अगर मैं पोस्ट कर रहा हूँ तो ये फिर से 3000 पे, तो मैं इसको 5000 पे करके अगर मैं फिर से पोस्ट करूँगा तो ये पोस्ट हो जाता है। और गेट पे आके अगर मैं फिर से गेट करता हूँ तो आप देख सकते हैं सबसे नीचे आइटम टू अपडेटेड का लिस्ट आ रहा है। तो उसी तरह से गेट वन अगर मैं करूँगा तो गेट वन का लिस्ट मिल सकता है। पहले मुझे देखना होगा गेट वन यहाँ पे नहीं है, थ्री है, तो मैं यहाँ पे थ्री ले लूँगा और पोर्ट को चेंज कर देता हूँ 5000 और सेंड करूँगा तो थ्री वाला आइटम मिल रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास जो गेट एपीआई है हमारा, जो और जितने भी हमारे पास आइटम्स है उसको लेने का जो एपीआई है वो काम कर रहा है। उसके बाद जो हमारा पोस्ट आइटम है जिसके थ्रू कि हम लोग नया आइटम इंसर्ट कर सकते हैं अपने डेटाबेस में, वो काम कर रहा है। और उसके बाद ये वाला जो एपीआई एंड पॉइंट है, अगर किसी एक आइटम को हमें पार्टिकुलरली एक्सेस करना है जो कि एडिट करने के टाइम में ऑब्वियसली हमें एक्सेस करना होगा, तो वो वाला भी काम कर रहा है। और उसके बाद है पुट एपीआई। अब जैसा कि हमने यहाँ पे देखा हमारा थ्री वाला जो है वो क्रिएट न्यू ट्यूटोरियल है, अगर इसको हमें चेंज करके करना है, क्रिएट न्यू ट्यूटोरियल कुछ वैल्यू एक्स्ट्रा डालना है हमें, तो यहाँ पे मैं थ्री लिख लूँगा और इसको 5000 कर लेता हूँ। अपडेटेड आइटम फिर मैं हाइफन देके क्रिएट न्यू आइटम ऐसा कुछ, मैं कुछ भी रैंडम टेक्स्ट देके यहाँ पे अगर सेंड कर रहा हूँ तो ये अपडेट हो चुका है। और यहाँ पे आने के बाद ये जो हमारा थ्री वाला एंड पॉइंट है जो कि पहले क्रिएट न्यू ट्यूटोरियल है उसको मैं एक्सेस कर रहा हूँ, तो हमारे पास कुछ ऐसा अपडेटेड टेक्स्ट आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास गेट वाला, पोस्ट वाला और एक आइटम को गेट करना है वो भी काम कर रहा है, एक आइटम को अपडेट करना है वो भी काम कर रहा है। अब जो लास्ट में हमारा क्रड ऑपरेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है डिलीट, तो उसको भी हम लोग टेस्ट कर लेंगे। यहाँ पे मैं आइटम थ्री को डिलीट करना चाहता हूँ जो कि पोर्ट 5000 पे हमारा एप्लीकेशन रन कर रहा है। अगर मैं सेंड करता हूँ तो वो आइटम डिलीट हो चुका है क्योंकि हमारे पास 204 आया ऐसा कुछ रिस्पॉन्स आ रहा है। और वापस अगर मैं यहाँ पे आके सेंड करूँ तो जो थ्री वाला आइटम है आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा क्योंकि वो डिलीट हो चुका है। तो इस तरह से हमने अपने जो सर्वर एपीआई को हमने अपने लोकल सिस्टम पे सेटअप कर लिया है। तो हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे जो कि है रिएक्ट जेएस का पूरा प्रोसेस को समझना। रिएक्ट जेएस में हम लोग कैसे इस एपीआई को यूज़ कर सकते हैं और क्रड ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है रिएक्ट ऐप को क्रिएट करना। तो उसके लिए मैं वीएस कोड को ओपन कर लूँगा इस डायरेक्टरी के अंदर और यहाँ पर मैं एक नया टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ और मैं कमांड लिखूँगा npx क्रिएट रिएक्ट ऐप और मैं इसको यहीं पे क्रिएट करना चाहता हूँ, तो मैं ऐसा कुछ दे दूंगा तो जो हमारा रिएक्ट ऐप है वो यहीं पे क्रिएट हो जाएगा टेस्ट वाले डायरेक्टरी में। रिएक्ट ऐप अब इंस्टॉल हो चुका है, तो उसको स्टार्ट करने के लिए मैं कमांड लिखूंगा npm स्टार्ट और ये लोकल होस्ट पे स्टार्ट हो जाएगा, लोकल होस्ट 3000 पे जो कि रिएक्ट ऐप का एक डिफॉल्ट पोर्ट होता है। हमारा एप्लीकेशन लोकल होस्ट 3000 पे स्टार्ट हो रहा है, ये लोकल होस्ट 3000 पे स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पे मैं टेलविन का यूज़ करना चाहता हूँ CSS वगैरह अप्लाई करने के लिए, तो उसके लिए मैं गूगल पे लिखूँगा इंस्टॉल टेलविन इन रिएक्ट JS और जो सबसे पहला टेलविन CSS का लिंक आएगा मैं उसको ओपन कर लूँगा। और यहाँ पर जो स्टेप्स है वो है पहला क्रिएट रिएक्ट ऐप और प्रोजेक्ट का नाम जो कि हमने कर लिया है, और उसके बाद जो स्टेप है हमें टेलविन CSS को इंस्टॉल करना है, तो मैं इसको कॉपी कर लूँगा और दूसरा टर्मिनल में इसको मैं इंस्टॉल करने के लिए रन कर दूंगा। और जैसे ही इंस्टॉल हो जाता है तब हमें अपने थर्ड स्टेप की तरफ आना है जो कि है npx tailwind css init वाला कमांड, मैं इसको भी कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे मैं इसको रन कर लूँगा।
अब जब ये रन होगा तो हमारे पास एक फाइल क्रिएट होके आ जाएगा जो कि होगा टेलविन कन्फिग डॉट जे एस वाला फाइल, और इसमें हमें जो एस आर सी डायरेक्ट्री के अंदर जे एस जे सिक्स और टी एस टी एस एक्स वाला फाइल है उसको अलाउ करना है। तो इसके लिए हमें इस फाइल को कॉपी करना होगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं टेलविन कन्फिग डॉट जे एस वाला फाइल यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, और मैं कंटेंट को रिप्लेस कर दूंगा। उसके बाद का जो हमारा स्टेप है वो है इंडेक्स डॉट सी एस एस वाले फाइल में ये तीनों फाइल को इंक्लूड करना, जो कि टेलविन के बेस कॉम्पोनेंट और यूटिलिटीज़ को इंक्लूड करता है। इसको मैं कॉपी कर लूँगा और सोर्स के अंदर यहाँ पे इंडेक्स डॉट सी एस एस फाइल है, मैं ऊपर में ही यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। तो हमारा टेलविन अब हमारे एप्लीकेशन में आ चुका है, और फिर हमें npm रन स्टार्ट करना है जो कि ऑलरेडी है, और इसके थ्रू हम लोग टेस्ट कर सकते हैं कि हमारा जो टेलविन है वो हमारे एप्लीकेशन में अप्लाई हुआ है या नहीं। तो मैं app.js वाले फाइल में जाता हूँ, और यहाँ पे हमें ये जो फाइल है हमारा ये जो रन कर रहा है इसका रिक्वायरमेंट है नहीं, तो इसको मैं निकाल दूँगा। div को मैं रिप्लेस कर देता हूँ वो टेलविन वाले div से, और ये दोनों फाइल का ज़रूरत नहीं है तो मैं उसको हटा दूँगा। और ये अप्लाई नहीं हो रहा है तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि सर्वर को रोक के फिर से मैं रन कर लूँगा। अभी आप देख सकते हैं कि मार्जिन लेफ्ट अप्लाई हो चुका है, और यहाँ पे अंडरलाइन का भी जो CSS वगैरह है वो सब आ चुका है। अगर मैं अंडरलाइन हटाता हूँ तो अंडरलाइन हट चुका है। अब यहाँ पे हमें एक और पैकेज का जरूरत पड़ेगा Axios का, क्योंकि हमें क्रड बनाना है और सर्वर साइड API वगैरह का कॉल करना है। तो उसके लिए मैं लिखूँगा npm install Axios, और हमारा Axios भी इंस्टॉल हो जाएगा, और Axios के थ्रू हम लोग अपने API एंड पॉइंट को कॉल करने वाले हैं गेट पोस्ट पुट वगैरह को। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा कि इसको ऐसे साइड में ओपन कर देता हूँ, और VS कोड को भी जरा से ओपन कर लूँगा। अभी मैं H1 वगैरह को निकाल देता हूँ और एक डेवलपमेंट क्रिएट कर लूँगा। यहाँ पे मैं क्लास नेम लेता हूँ, और उसके अंदर इसका जो मिनिमम हाइट है वो स्क्रीन दे देता हूँ, मिन हाइट स्क्रीन, तो इसका मिनिमम हाइट स्क्रीन के इक्वल हो जाएगा। और बैकग्राउंड को मैं ग्रे ले लूँगा, बेजी ग्रे 100, और उसके बाद मैं लूँगा फ्लेक्स आइटम सेंटर जस्टिफाई सेंटर, और ओवरऑल जो पैडिंग होगा वो मैं 5 यहाँ पे ले लेता हूँ। तो हमारा पहला डिव जो है वो बैकग्राउंड वाला ऐसा रेडी हो गया। उसके अंदर मैं एक कंटेनर क्रिएट करना चाहता हूँ, तो मैं फिर से एक डिव ले लूँगा, और उसमें जो क्लास होगा उसका बैकग्राउंड मैं वाइट कर दूँगा। इसमें मैं शैडो भी दे देता हूँ, शैडो MD, थोड़ा सा शैडो आ जाएगा, और राउंडेड LG ऐसा कुछ आ जाएगा। इसका जो मैक्स विड्थ रहेगा वो मैं MD रखता हूँ। यहाँ पे मैं H1 एक क्रिएट कर लेता हूँ, और उसमें आ जाएगा हमारा क्रड ऐप ऐसा कुछ लिख दूँगा। तो अभी आप देख सकते हैं इसका डिज़ाइन अब दिख रहा है। अब H1 में कुछ स्टाइल्स देना होगा, तो वो मैं स्टाइल यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ, जैसा कि इसका मैं टेक्स्ट थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, टेक्स्ट 2XL आ जाएगा, तो इसका इंक्रीज हो जाएगा हाइट साइज। फिर फॉन्ट इसका मैं बोल्ड कर देता हूँ क्योंकि ये H1 है, इसको टेक्स्ट सेंटर लिख देता हूँ ताकि ये बीच में आ जाए। ये दो बार आने से इसका साइज बड़ा नहीं हुआ है। और यहाँ पे मैं मार्जिन बॉटम 4 ले लूँगा, तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अब इसके बाद मुझे क्या करना है कि मैं एक ऐड आइटम का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं ऐड आइटम लिख दूँगा, जानने के लिए कि यहाँ से हमारा ऐड आइटम स्टार्ट हो रहा है। और इसके नीचे मैं एक डेवलपमेंट ले लूँगा, और इस टिप में भी कुछ क्लासेस लगा देता हूँ। जैसे यहाँ पे दो चीज़ आएगा, एक तो टेक्स्ट बॉक्स आएगा, दूसरा बटन आएगा, और दोनों साइड बाई साइड रहेगा, तो उसके लिए फ्लेक्स आ जाएगा, और वो बीच में ही होगा तो आइटम्स सेंटर आ जाएगा। स्पेस X2 और मार्जिन बॉटम 4 आ जाएगा। अब उसके बाद मैं एक इनपुट ले लूँगा, इनपुट आ गया हमारा, और इस इनपुट का टाइप जो है वो टेक्स्ट हो जाएगा। इसका कुछ वैल्यू लेना पड़ेगा, और वैल्यू के लिए मैं यूज स्टेट का यूज़ करने वाला हूँ, लेकिन उसको पहले इंपोर्ट करना होगा। तो इंपोर्ट यूज स्टेट
मुझे यूज़ इफेक्ट का भी रिक्वायरमेंट पड़ेगा, तो मैं पहले ही यूज़ इफेक्ट इंपोर्ट कर लेता हूँ। इसके साथ ही अभी थोड़ी देर पहले हमने एक्जियस को इंस्टॉल किया था, तो इंपोर्ट एक्जियस फ्रॉम एक्जियस ऐसा मैं कुछ लिख देता हूँ, और यहाँ पे आ जाएगा कांस्टेंट। यूज़ स्टेट में दो दो चीज़ होता है, एक तो न्यू आइटम ऐसा कुछ दे देता हूँ, और दूसरा जो आ जाएगा सेट न्यू आइटम, ये आ गया। यूज स्टेट और ये टेक्स्ट के फॉर्म में रहेगा, तो मैं ऐसा दे देता हूँ। अब ये जो न्यू आइटम है ये इसके वैल्यू में बाइंड हो जाएगा, और यहाँ पे हमें एक ऑन चेंज इवेंट लगाना होगा। ऑन चेंज इवेंट में क्या होगा कि ये यहाँ से इवेंट ट्रिगर करेगा, और जो हमने ये वाला सेट न्यू आइटम है यहाँ पे ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू ऐसा कुछ आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं एक प्लेस होल्डर दे देता हूँ इंटर न्यू आइटम करके, और उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे कुछ क्लास नेम वगैरह देना पड़ेगा, जैसे बॉर्डर एडिंग टू राउंडेड और विथ फुल ऐसा कुछ दे देता हूँ। ये जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है इसके बाहर जा रहा है, क्योंकि ये वाला यहीं पे क्लोज हो रहा है, तो मैं इसको यहाँ से निकाल के यहाँ पे ऐसे क्लोज कर दूंगा, तो ये टेक्स्ट बॉक्स इसके अंदर आ जाएगा। अब ये इसके अंदर आ गया, यहाँ पे कुछ पैडिंग वगैरह लगाना पड़ेगा क्योंकि पैडिंग नहीं है, इसलिए ये काफ़ी क्लोज हो गया है, तो मैं यहाँ पे पैडिंग कुछ डाल देता हूँ, पैडिंग 6 ऐसा देने से ये अब सही दिखेगा, अब सही दिख रहा है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है कि इनपुट के बाद मुझे एक बटन क्रिएट करना है, तो यहाँ पे मैं एक बटन लेता हूँ और इसका ऐड कर दूंगा, और इस बटन में कुछ क्लास नेम वगैरह मैं लगा देता हूँ, और वो क्लास नेम हो जाएगा, जैसे मैं इसका बीजी ब्लू 500 ऐसा कुछ देना चाहता हूँ, और होवर पे ये जो बैकग्राउंड ब्लू है वो 600 चला जाएगा। यहाँ पे और भी क्लास हम लोग दे सकते हैं, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ ताकि स्पेस थोड़ा ज़्यादा आ जाए, जैसे कि इसका जो टेक्स्ट है वो वाइट हो जाएगा इस बटन पे, पैडिंग एक्स 4 आ जाएगा, पैडिंग वाई 1 कर देता हूँ, और ये राउंडेड हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं बटन कुछ ऐसा है, इसका पैडिंग इसके इससे मैच नहीं कर रहा है, तो अगर इसको मुझे पतला रखना है तो मैं 1 कर दूंगा, तो दोनों ये एक जैसा हो जाएगा। अब यहाँ पे मुझे कुछ इवेंट लगाना होगा, जैसे कि कोई अगर नया आइटम लिख रहा है, जैसे न्यू आइटम कोई लिख रहा है और ऐड कर रहा है, तो वो एक्जिस के थ्रू डेटाबेस में जाना चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं एक ऐड आइटम नाम का एक फंक्शन क्रिएट कर लूँगा, और इसमें मैं एक्जेस यूज़ करने वाला हूँ, तो इसको मैं एसिंक रखता हूँ, और ये जो ऐड आइटम है यहाँ पे ऑन क्लिक करके मैं यहाँ रख दूँगा, तो ये हो जाएगा ऑन क्लिक ऐड आइटम। यहाँ पे मुझे चेक करना पड़ेगा कि इफ़ ये जो हमारा न्यू आइटम है, न्यू आइटम में कुछ वैल्यू वगैरह है या नहीं, तो उसके लिए मैं ट्रिम का यूज़ करूँगा। ट्रिम बेसिकली चेक करेगा कि वो एम्प्टी तो नहीं है, एम्प्टी होगा तो हम उसको पोस्ट नहीं करने वाले हैं, तो पहले मैं उसको चेक कर लूँगा, और यहाँ पे मैं ट्राई कैच का यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि कभी हो सकता है रिक्वेस्ट फेल हो जाए, तो मैं ट्राई ले लूँगा, फिर यहाँ पर कैच क्रिएट कर लूँगा, कैच के अंदर मैं एरर ऐसे पास कर दूँगा, और यहाँ पर कंसोल डॉट एरर लिखना पड़ेगा क्योंकि हम लोग एरर प्रिंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं कुछ डाल दूंगा एरर एडिंग आइटम ऐसा कुछ, और यहाँ पे मैं एरर ऐसे लिख दूंगा। तो इस तरह से हमारा कोड यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे हमने एक बटन बना लिया है जो कि एक फंक्शन को कॉल कर रहा है, और इस फंक्शन में हम लोग चेक कर रहे हैं कि वो जो न्यू आइटम है वो एम्प्टी है तो नहीं है, अगर नहीं है तो हम लोग उसको एक्जीएस के थ्रू पोस्ट करने वाले हैं, तो उसके लिए सबसे पहले मैं अवेट एक्जियस डॉट पोस्ट का यूज़ करूँगा,
और यहाँ पे हमें दो चीज़ चाहिए होगा, एक तो यूआरएल जहाँ हमें पोस्ट करना है और डेटा। तो उसके लिए मैं एक यूआरएल क्रिएट कर लेता हूँ, कॉन्स्टेंट एपीआई यूआरएल, और ये जो हो जाएगा HTTP लोकल होस्ट 5000 जो कि हमने सर्वर क्रिएट करके रखा है। और यहाँ पे ये वाला हम लोग ऐसे कॉल कर देंगे, और इसके बाद यहाँ पे हम लोग इसका नाम जो होगा नेम हो जाएगा, और न्यू आइटम हम यहाँ पे ऐसे पास कर देंगे। अब अगर मैं इसके सर्वर साइड वाला आपको कोड दिखाऊं, तो ये इसका सर्वर साइड का कोड है, और यहाँ पे वो जो पोस्ट वाला रिक्वेस्ट है वो आ रहा है, और अगर वो सक्सेसफुल होता है तो वो नेम रिटर्न होता है आईडी के साथ। तो यहाँ पे मुझे क्या करना होगा कि जो रिस्पांस आ रहा है उसमें हमें आइटम्स को सेट करना होगा, आई मीन जो भी रिस्पांस आ रहा है उसको हम लोग एक एरे में लेते जाएंगे। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक आइटम्स नाम का एक नया स्टेट क्रिएट कर लेता हूँ, आइटम्स सेट आइटम्स ऐसा कुछ हो जाएगा, और ये सेट आइटम्स को मैं यहाँ पे कॉल कर लूँगा। इसके अंदर जो पहले से आइटम्स है वो स्प्रेड ऑपरेटर के थ्रू मैं उसको वहीं पे रहने दूंगा, और रिस्पांस में जो हमारा डेटा आ रहा है नया वाला आइटम उसको भी मैं यहाँ पे सेट कर दूंगा। तो क्या होगा कि जो आइटम आ रहा है वो इसमें ऐसे सेट हो जाएगा। अब जब सेट हो गया है तो ये जो सेट न्यू आइटम है वो वापस से ब्लैंक हो जाना चाहिए, तो मैं उसको ऐसे ब्लैंक कर दूंगा। अब ये बोल रहा है कि रिस्पांस डिफाइंड नहीं है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे मैं कॉन्स्टेंट रिस्पांस ऐसा कुछ लिख दूंगा, तो जो भी इसका रिस्पांस होगा वो रिस्पांस में आ जाएगा और रिस्पांस का डेटा यहाँ पे सेट हो जाएगा। अब अगर मैं देखूँ तो ये सही से काम कर रहा है, आई मीन यहाँ तक हमारा कोई भी एरर नहीं है। और अगर अभी मैं देखना चाहूँ कि ये पोस्ट हो रहा है या नहीं, तो उसके लिए मैं नेटवर्क में जाऊँगा। ये हमारा नेटवर्क हो गया, और यहाँ पे मैं डालूँगा रैंडम आइटम ऐसा करके मैं अगर मैं पोस्ट करता हूँ तो ये फेल हो जा रहा है क्योंकि हमारा सर्वर रन नहीं कर रहा है। तो उसको मैं रन कर लेता हूँ नोड सर्वर डॉट js। अब अगर मैं वापस से इसको ट्राई करता हूँ तो ये 5000 आ रहा है क्योंकि यहाँ पे जो हमारा आइटम्स है वो मैंने लगाया नहीं है, तो मैं यहाँ पे आइटम्स को लगा देता हूँ। अभी अगर मैं फिर से ट्राई करूँगा तो अभी ये आइटम चला गया है और हमारे पास रिस्पांस में रैंडम आइटम आ रहा है जो कि हमारे इसमें सेट हो गया होगा। और उसको अगर मुझे देखना है तो मैं क्या करूँगा कि मैं नीचे आ जाऊँगा, यहाँ पे आइटम का लिस्ट हमारा आ जाएगा। इसके बाद एक डेवलपमेंट में लूँगा और एक UL LI ऐसा कुछ लेना पड़ेगा, और ये इस UL में मैं आइटम्स को लूप करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले मैं क्लास एक सेट कर देता हूँ, क्लास नेम जो कि हो जाएगा स्पेस Y2, जितने भी एलिमेंट्स हैं जो LI एलिमेंट्स हैं सबके बीच में स्पेस आ जाएगा। और जो LI को कॉल करने से पहले मैं क्या करूँगा कि मैं आइटम्स का मैप क्रिएट कर लूँगा, तो आइटम्स डॉट मैप ऐसा कुछ आ जाएगा जिसमें कि हम लोग आइटम पास कर रहे हैं और ऐसा इंडेक्स पास कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे हमारा LI एलिमेंट्स ऐसे आ जाएगा। यहाँ पे हमें एक और कर्ली ब्रैकेट देना होगा क्योंकि ये मैप के अंदर आ रहा है, तो ये मैप वाला हो गया और ये
आइटम और इंडेक्स का जो दिखाने वाला पार्ट हो गया ये यहाँ पे आ जाता है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि एलाइनमेंट्स में हमारा की पास करना होगा और की जो है इसका आइटम का आईडी हो जाएगा, तो आइटम डॉट आईडी ऐसा दे देता हूँ। ये डेटाबेस में स्टोर हो रहा है तो इसका आईडी ऑटोमेटिकली जनरेट होगा। और यहाँ पे मैं एक स्पैन ले लेता हूँ, उसके अंदर आ जाएगा आइटम डॉट नेम ऐसा कुछ आ जाएगा। और ये आइटम जो है स्टार्टिंग में यहाँ पे सेट हो जाना चाहिए, तो उसके लिए मैं यूज़ इफेक्ट का यूज़ करने वाला हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि एक यूज़ इफेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, यूज़ इफेक्ट। और ये स्टार्टिंग में एक फंक्शन को कॉल करेगा कॉन्स्टेंट विच आइटम्स के नाम से, ये भी एसिंक फंक्शन होगा। और यहाँ पे सेम मैं ऐसे ही ट्राई कैच का यूज़ करने वाला हूँ, तो मैं ये ट्राई कैच यहाँ पे ऐसे रख दूँगा। और कांस्टेंट रिस्पांस यहाँ पे जो हमारा ये वाला है वो आ जाएगा, जो कि ऑलरेडी है यहाँ पे, बस मैं यहाँ पे गेट कर लूँगा ये गेट, क्योंकि ये डेटा गेट कर रहा है तो यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट आ जाएगा। और सेट आइटम्स में डायरेक्टली हमारा जो रिस्पांस डॉट डेटा है वो सेट हो जाएगा ऐसे। और इसको मैं यहाँ से निकाल दूंगा। अब यहाँ क्या हो रहा है कि हम लोग एग्जियो से उस एपीआई को हिट कर रहे हैं और जो भी डेटा है उसको आइटम्स वाले एरे में स्टेट में लगा दे रहे हैं। और जो फिच आइटम है, जैसे ही हमारा ऐप लोड होगा तो हम लोग फिच आइटम्स को ऐसे कॉल कर लेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं जो भी हमारा आइटम्स है वो यहाँ पे ऐसे आ रहा है, वो अच्छे से नहीं आ रहा, उसको सही करना होगा। तो उसके लिए मैं नीचे स्क्रॉल करके जाता हूँ और ये जो हमारा है वो ये वाला जो डिब है उसके बाहर मूव करना होगा। तो मैं इसको यहाँ से कट कर लेता हूँ और यहाँ पे ऐसे मूव कर दूंगा। तो अब ये नीचे ऐसे आ जा रहा है, अब ये कुछ अच्छा दिख रहा है। अब यहाँ पे मुझे कुछ क्लास नेम वगैरह लगाना होगा, तो मैं क्लास नेम लगा देता हूँ, जैसे फ्लेक्स जस्टिफाई बिटवीन आइटम्स सेंटर बीजी ग्रे या स्लेट 100 ऐसा कुछ कर देता हूँ। पैडिंग टू राउंडेड करने से जो हमारा लिस्ट है अब काफ़ी अच्छा दिख रहा है। अब लिस्ट के बगल में हमें एक एडिट बटन देना पड़ेगा। मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक और डेवलपमेंट ले लेता हूँ और ये जो बटन है हमारा सेव का, मैं इसको कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे ऐसे पेस्ट कर दूँगा। इसका नाम मैं एडिट रख देता हूँ। और ये जो हमारा बटन है वो एलआई के अंदर जाना चाहिए, तो मैं इसको यहाँ से कट कर लूँगा और स्पैन के नीचे ऐसे लगा दूँगा। तो फिर आप देख सकते हैं जहाँ भी ये आइटम आ रहा है उसके बगल में एडिट बटन आ रहा है और इसका नाम मैं एडिट आइटम रखने वाला हूँ। एडिट आइटम अभी क्रिएटेड नहीं है तो उसको मैं क्रिएट कर लूँगा। और उसको क्रिएट करने के लिए मैं ऐड आइटम को ही कॉपी कर लेता हूँ, इसका नाम मैं एडिट आइटम रख दूँगा। ये एडिट हो गया। एडिट का कलर अगर हमें चेंज करना है, जैसे इसको अगर हमें येलो रखना है तो हम येलो रख सकते हैं, येलो, और यहाँ पे येलो 600। तो भी हमारा एडिट बटन ऐसा दिख रहा है। अब क्या होगा कि जब भी हम लोग एडिट पे क्लिक करते हैं तो हमें इसका इंडेक्स चाहिए होगा और इसके अकॉर्डिंग हम लोग डिफाइन करेंगे। जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया तो ये जितना भी एडिट है वो सब पे क्लिक हो जाएगा, तो हमें इंडेक्स के बेसिस पे इसको अलग अलग डिफाइन करना होगा। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे एडिट में हमें ये नहीं चाहिए अभी के लिए। यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग ले लेता हूँ, बटन क्लिक्ड ऐसा मैंने कुछ लिख दिया। और
अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ कंसोल में, तो मैं कौन से एडिट वाले पे क्लिक कर रहा हूँ हमें पता नहीं चल रहा है। मतलब यहाँ पे कोई आइडेंटिफायर नहीं है जो बता सकता है कि हम कौन से एडिट वाले बटन पे क्लिक कर रहे हैं। तो उसके जानने के लिए मुझे क्या करना होगा कि यहाँ पे जब हम लोग एडिट आइटम पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे मैं इंडेक्स को ऐसे पास कर दूँगा और यहाँ पे इंडेक्स को मैं यहाँ शो कर दूँगा। अब क्या होगा कि अगर मैं किसी पे क्लिक कर रहा हूँ तो अभी ये डायरेक्टली कॉल हो रहा है, तो इसको सही करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि इसको एरो फंक्शन के अंदर ले लेता हूँ। अब अगर मैं क्लिक करूँगा तो ये 0 पे है, 1 पे है, 4 पे, ऐसा हमें पता चल रहा है, लेकिन उसको स्टोर करना पड़ेगा क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही हमें उस वैल्यू को एडिटेबल करना है। तो यहाँ पे मैं एक और स्टेट क्रिएट कर लेता हूँ एडिटिंग इंडेक्स, सेट एडिटिंग इंडेक्स, और ये बाय डिफॉल्ट नल पास होगा। अब यहाँ पे जहाँ पे हम लोग एडिट कर रहे हैं वहाँ पे मैं सेट एडिटिंग इंडेक्स ऐसा इंडेक्स को पास कर दूंगा। तो हमारा जो एडिटिंग इंडेक्स है वो एडिट के अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा। अब क्या होगा कि जहाँ पे एडिट हो रहा है वहाँ पे हमें टेक्स्ट एरिया दिखाना पड़ेगा, तो हम लोगों को यहाँ पे कंडीशन पास करना होगा। ये जहाँ पे आइटम का नेम दिख रहा है वहीं पे हम लोग कंडीशन लिखेंगे कि अगर एडिटिंग इंडेक्स इक्वल इक्वल है इंडेक्स का तो हम लोग एक टेक्स्ट एरिया दिखा देंगे, ऐसा इनपुट टेक्स्ट दिखा देंगे जहाँ से लोग अपने आइटम्स को अपडेट कर सकते हैं। अगर नहीं है तो हम लोग ऐसा आइटम दिखाएंगे जैसा कि अभी देख रहे हैं आप, ऐसा कुछ दिख रहा है, लेकिन ये इससे काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ जा रहा है। तो उसको हटाने के लिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे जो क्लास नेम है वहाँ पे मैं मार्जिन राइट टू ऐसे लिख दूंगा। तो ये थोड़ा स्पेस आ गया, थोड़ा और ज़्यादा देना है तो ऐसे 4 लिखने से ये थोड़ा और ज़्यादा आ जाएगा, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग 2 इनफ है तो मैंने 2 ऐसा दे दिया, तो ये ऐसा चिपक नहीं रहा एक दूसरे से। अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पे जो न्यू आइटम है उसको दूसरे स्टेट से बाइंड करना होगा। मैं एक और स्टेट क्रिएट कर लूँगा जो कि हो जाएगा एडिटिंग टेक्स्ट। आ जाएगा सेट एडिटिंग टेक्स्ट, और यहाँ पे सेट एडिटिंग टेक्स्ट आ जाएगा और ये हो जाएगा एडिटिंग टेक्स्ट। तो अगर हम कहीं पे क्लिक करते हैं तो ऐसे करके हम लोग उसको एडिट कर सकते हैं। और यहाँ पे हमें अगर इसको एडिट करना है तो ये टेक्स्ट ऑलरेडी प्रेजेंट होना चाहिए। तो जो सेट एडिटिंग टेक्स्ट है उसको मैं क्या करूँगा कि जो जहाँ से हम लोग एडिट कर रहे हैं वहाँ पर हम लोग ऐसे सेट एडिटिंग टेक्स्ट में ये वाला स्टेट पास कर देंगे। जो वैल्यू है वो तो नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसी यहाँ पे हम लोग आइटम्स को कैच कर सकते हैं या फिर आइटम्स के थ्रू, जैसे हमारा आइटम्स का जो एरे है उसमें हमें पता है कि इंडेक्स पोजीशन पे अगर हम नेम को ऐसे डालते हैं तो हमें जो हमारा वैल्यू है वो मिल जाएगा। तो अगर मैं फिर से दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं ये हमारा जो वैल्यू है यहाँ पर मिल जा रहा है और यहाँ पर सेट हो जा रहा है, तो हम लोग ईजिली इसको एडिट कर सकते हैं। अब एक बार एडिट होने के बाद जो भी टेक्स्ट है जो अपडेट होगा वो एडिटिंग टेक्स्ट में चला जाएगा, और अगर कोई एडिट बटन पे क्लिक करता है तो वो वापस से अपडेट होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास हमारा एडिट बटन है और इस पर क्लिक करने से ऐसा जा रहा है। अब ये बटन एडिट जो है ये एडिट नहीं दिखना चाहिए, यहाँ पर कुछ और बटन दिखना चाहिए जैसे सेव दिखना चाहिए और कैंसिल दिखना चाहिए।
तो उसको करने के लिए मैं क्या करूँगा कि अगर हमारे पास एडिटिंग इंडेक्स है तो मैं सेम इसी लॉजिक का यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे। अगर हमारे पास एडिटिंग इंडेक्स है तो एक बटन आएगा, अगर नहीं है तो दूसरा बटन आएगा। पर सेव को वाला बटन आ जाएगा, अगर नहीं है तो एडिट वाला आएगा। इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ सेव के लिए, ग्रीन। इसको मैं रिफ्रेश करके देखता हूँ तो अभी ये चेंज हो रहा है। जहाँ पे भी मैं क्लिक कर रहा हूँ तो वो सेव आ रहा है, लेकिन अगर मुझे सेव को हटाना है तो मुझे कैंसिल बटन चाहिए होगा और डिलीट बटन भी चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ कि इसको फिर से कॉपी कर लेता हूँ और नीचे पेस्ट कर दूंगा, ऊपर कैंसिल बटन आ जाएगा और नीचे डिलीट बटन आ जाएगा। डिलीट बटन जो है वो ऑरेंज में हो सकता और कैंसिल बटन जो है वो ग्रे में हो सकता है। अभी ये बटन अच्छे से नहीं दिख रहा है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे मार्जिन X1 मैं ले लूँगा, यहाँ पे भी मार्जिन X1 ले लूँगा ताकि हर जगह हमारा स्पेसिंग नॉर्मल हो जाए। यहाँ पे भी मैं मार्जिन X1 ले लेता हूँ और यहाँ पे भी मैं मार्जिन X1 ले लेता हूँ, और जो भी हमारा आइटम है वो सही से आ जाए उसके लिए मुझे क्या करना होगा कि इसको एक फ्लेक्स के अंदर लेना होगा और कैंसिल एडिट वगैरह का जो इवेंट है वो लगाना होगा। तो यहाँ पे मैं एक डिव क्रिएट करता हूँ और डिव में क्या होगा कि फ्लेक्स आ जाएगा क्लास नेम में। और एक डिव आएगा जिसके अंदर हमारा ये पहला वाला बटन है वो चला जाएगा, और जो दूसरा डिव है उसके अंदर ये दूसरा वाला जो बटन का लॉजिक है ये यहाँ पे आ जाएगा। तो भी जैसा कि आप देख रहे हैं, अगर कहीं पे भी एडिटिंग इंडेक्स है तो हमारे पास जैसे मैं एडिट कर रहा हूँ तो सेव और कैंसिल है जो एडिट और डिलीट से चेंज हो जा रहा है। अब मुझे सबको अलग अलग इवेंट से बाइंड करना होगा, जैसे अगर मैं कैंसिल पे क्लिक करता हूँ तो सेट एडिटिंग इंडेक्स जो है नल हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर जो हमारा कैंसिल वाला बटन है उसको मैं सेट एडिटिंग इंडेक्स को ऐसा नल कर दूंगा तो हमारा कैंसिल वाला पूरा हो जाएगा। अब अगर आप देख रहे हैं मैं एडिट कर रहा हूँ, अब कैंसिल करने से हमारा जो पार्ट है वो हो रहा है। अब डिलीट पे क्लिक करने से क्या होगा कि एक और एक्जियस कॉल होना चाहिए जो उसको डिलीट कर सके, और डिलीट में वो इंडेक्स पार होना मतलब इंडेक्स पास होना चाहिए। तो हमारा जो डिलीट का बटन है जो एडिट आइटम है उसको मैं डिलीट आइटम से रिप्लेस कर लूँगा। तो मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ डिलीट का जो फंक्शनैलिटी है उसको लिखने के लिए, इसका नाम मैं डिलीट आइटम रख देता हूँ। और यहाँ पे मुझे ये वाला जो इफ कंडीशन है ये नहीं चाहिए, और एग्जियस के पोस्ट की जगह पे मुझे डिलीट चाहिए होगा और ऐसा नहीं चाहिए मुझे। मैं इसको ऐसे करके पास कर दूंगा। यहाँ पे आईडी पास हो जाएगा और ये जो हमारा आईडी है वो डिलीट में ऐसे आ जाएगा। तो जो डिलीट वाला है फंक्शनैलिटी, यहाँ पे अगर मैं आऊँ तो ये जो डिलीट है यहाँ पे मुझे आईडी पास करना होगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिख दूँगा
आइटम डॉट आईडी। तो ये डिलीट यहाँ से डिलीट आइटम यहाँ पे ऐसे कॉल होके उसको डिलीट कर देगा। अब जो हमारा सेट आइटम्स है ऐसा नहीं रहेगा। अब सेट आइटम्स में क्या होगा कि हमें वो आइटम्स हटाना पड़ेगा जिसमें कि वो ये वाला आईडी पास हो रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं इसको निकाल देता हूँ इस एरे को और यहाँ पे लिखता हूँ आइटम्स डॉट फिल्टर। और फिल्टर में क्या होगा कि हमारा आइटम पास होगा और आइटम में भी फिल्टर क्या होगा कि आइटम का जो आईडी है वो इस आईडी के इक्वल्स नहीं रहेगा। तो यहाँ पर रिस्पांस का रिक्वायरमेंट नहीं है तो उसको मैं हटा देता हूँ। अब क्या हो रहा है कि जैसे ही आइटम डिलीट होता है तो जो हमारा आइटम्स वाला एरे है उसमें से वो पार्टिकुलर आईडी वाला आइटम यहाँ से निकल जाएगा। तो वो डिलीटेड यूज़र को फ्रंट एंड में दिखेगा और बैक एंड में वो डेटा डिलीट हो जाता है। अगर अभी हम लोग नेटवर्क में जाके देखते हैं और यहाँ पे रैंडम आइटम को हम लोग डिलीट करते हैं तो ये डिलीट हो चुका है और यहाँ से भी रैंडम आइटम निकल चुका है। और अगर मैं रिफ्रेश करूँगा तो अभी भी रैंडम आइटम नहीं है, इसका मतलब है कि वो यहाँ से जा चुका है। अब हमारा एडिट वाला जो फीचर है जो कि सेव करना है ऐसे एडिट करके, बस वो वाला बचा हुआ है। तो उसको करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि एक नया फंक्शन क्रिएट करता हूँ अपडेट आइटम के नाम से। और उसके लिए मैं डिलीट वाले को कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे लिख दूँगा अपडेट आइटम। ऐसा अपडेट आइटम आ गया। अब इसमें क्या होगा कि एक तो हमें पहले एक अपडेटेड आइटम का ऐसा क्रिएट करना पड़ेगा कॉन्स्टेंट। तो अपडेटेड इसमें नेम आ जाएगा और जो हमारा एडिटिंग टेक्स्ट है वो ऐसे यहाँ पे आ जाएगा। तो अपडेटेड आइटम में जो हमारा अब रिसेंट वाला अपडेटेड टेक्स्ट है वो आ जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हमें एक रिस्पॉन्स चाहिए तो हम कॉन्स्टेंट रिस्पॉन्स ऐसा कुछ क्रिएट कर लेंगे और ये भी इसी आईडी पे ही पास होगा। लेकिन इसके बाद हम ऐसे अपडेटेड आइटम ऐसे पास कर देंगे और ये जो डिलीट है इसके जगह पे हम अपडेट कर रहे हैं तो हम पुट का यूज़ कर लेंगे। तो ये जो डेटा है वो अपडेटेड अपडेट होने के लिए चला जाएगा सर्वर के पास। अब एक बार जब वो अपडेट हो जाता है कॉन्स्टेंट अपडेटेड आइटम्स तो ये आ जाएगा आइटम्स डॉट मैप और इसके अंदर आ जाएगा आइटम, फिर आ जाएगा इंडेक्स इंडेक्स इक्वल इक्वल टू एडिटिंग इंडेक्स है तो रिस्पॉन्स डॉट डेटा नहीं तो आइटम। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हमारा अपडेटेड आइटम्स है अगर हमारे पास रिस्पॉन्स में कुछ डेटा आता है तो वो वाला यहाँ पे सेट हो जाएगा नहीं तो आइटम सेट होगा। जो भी रिस्पॉन्स आया रिस्पॉन्स सक्सेसफुल हुआ तो अपडेटेड वाला डेटा, अगर नहीं सेट हुआ तो पहले वाला डेटा यहाँ पर सेट हो रहा है। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर यही लॉजिक है कि अगर ये जो इंडेक्स है हमारा जो एडिटिंग आइटम के इंडेक्स के इक्वल्स है तो रिस्पांस डेटा सेट हो रहा है, नहीं तो आइटम सेट हो रहा है। इसको हम लोग किसी और तरीके से भी लिख सकते हैं लेकिन फिलहाल के ये लॉजिक सही है तो इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। सेट आइटम्स में हमारा अपडेटेड आइटम्स यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि अपडेटेड आइटम्स में जो भी आइटम्स है सब कंटेन कर रहा है तो यहाँ पे सेट हो जाएगा। और सेट एडिटिंग इंडेक्स नल हो जाएगा क्योंकि हमारा जो अपडेशन वाला काम है वो हो चुका है। और सेट एडिटिंग टेक्स्ट भी हमारा एम्प्टी हो जाएगा और ये वाला यहाँ से हट जाएगा। अब जैसे ही जो सेव वाला है हमारे पास यहाँ पे
इसमें आईडी पास हो रहा है, तो ठीक डिलीट वाले को हम लोग कॉपी करके वहाँ पे सेव में पेस्ट कर देंगे। तो ये जो डिलीट वाला लॉजिक है ये यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, और डिलीट की जगह पे यहाँ पे अपडेट आइटम कॉल हो जाएगा। अब अगर हम लोग इसको इंस्पेक्ट करके देखते हैं हमारा रिस्पांस क्या आ रहा है, एक बार मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, सब कुछ सही है। और कंप्लीट असाइनमेंट को अगर मैं एडिट करता हूँ, असाइनमेंट वन ऐसा मैंने कुछ दे दिया और इसको सेव किया, तो ये 4 पे जाके जो रिस्पांस है कंप्लीट असाइनमेंट वन आया, यहाँ पे भी 1 हो गया, और इसको मैं अगर रिफ्रेश कर रहा हूँ तो ये 1 है। तो इस तरह से हम लोग रिएक्ट में सर्वर बैकएंड के थ्रू एक क्रड ऐप बना सकते हैं। और यहाँ पे पूरा लॉजिक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट में लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है, बस क्या हो रहा है कि सबसे पहले हम लोग ऐड कर रहे हैं, फिर जो भी आइटम्स आ रहा है उसको लूप कर रहे हैं, और जो भी आइटम्स पे क्लिक हो रहा है उसका एक इंडेक्स पास हो रहा है जो कि इस आइटम के मैप के इंडेक्स से मैच कर रहा है। तो वहाँ पे कुछ कंडीशन चेंज हो रहा है, जैसे कि वो आइटम ना दिख करके टेक्स्ट बॉक्स दिख रहा है, अगर नहीं है तो वो आइटम दिख रहा है। सेम बटन्स के लिए भी है, यहाँ पे जो बटन है वो एडिट और डिलीट डिफॉल्ट दिखता है, एडिट और डिलीट डिफॉल्ट दिखेगा। ये वाला जो एडिट है, इंडेक्स नहीं है तो एडिट, और इंडेक्स नहीं है तो डिलीट, अगर इंडेक्स है तो कैंसिल और फिर सेव, तो अगर इंडेक्स हो गया तो कैंसिल और सेव, ऐसे करके ये अपडेट हो रहा है। तो इस तरह से आप एक क्रड ऐप बना सकते हैं, क्रड का आपका प्रैक्टिस पूरा हो सकता है, और ये सब फंक्शनैलिटी को आप रीयूज कर सकते हैं। सोर्स कोड आपको दिया हुआ है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे सब्सक्राइबर बहुत ही कम है। थैंक यू सो मच आपने इस वीडियो को देखा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।